अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? एप्पल ने अपने एक रीसेंट इवेंट में, जो कि मार्च 8th को हुआ है, और ये इवेंट जो होता है ये मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट वाला इवेंट नहीं होता जैसे कि सितंबर में होता है, लेकिन इस इवेंट में भी एप्पल अपनी कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात करता है, कुछ नई चीज़ों को मुतारफ़ करवाता है। तो इस इवेंट में भी एप्पल ने कुछ नई चीज़ों को मुतारफ़ करवाया है जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो बिना किसी इंतज़ार के मैं डायरेक्ट मूव करता हूँ कि इस इवेंट में एप्पल ने क्या क्या रिलीज़ किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईफोन की। सो गाइज, अच्छी न्यूज़ ये है कि एप्पल ने आईफोन 13 की जो सीरीज़ है, यानी कि प्रो और नॉन प्रो दोनों मॉडल्स में, एक नया कलर मुतारिफ करवाया है जो कि ग्रीन कलर है। अब ये कलर कुछ वैसा ही कलर है जो कि आपको याद हो कि आईफोन 11 प्रो की सीरीज़ में हमें एक मिडनाइट ग्रीन कलर देखने को मिला था। तो वैसा ही एक मिलता जुलता कलर है जो कि अल्पाइन ग्रीन के नाम से हमें एप्पल ने मुतारिफ करवाया है। अब इस कलर के आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो लोग जो स्टक हुए थे सीरा ब्लू के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को ये मसला था कि अगर वो सीरा ब्लू कलर नहीं लेते थे तो दूसरों को नज़र नहीं आता था कि ये 13 है, 13 प्रो की सीरीज़ है या 12 प्रो की सीरीज़ है। तो ये एक बड़ा मसला था। तो ज़्यादातर लोग अपने पसंदीदा कलर को छोड़ के भी सीरा ब्लू की तरफ जाते थे। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अगर आपको सीरा ब्लू पसंद नहीं है तो आप अल्पाइन ग्रीन, यानी आप इसको सिंपली कहेंगे ग्रीन कलर में एक नया फ़ोन आप ले सकते हैं। अब ये फ़ोन आपको आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 में और 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स में, यानी चारों मॉडल्स में आपको देखने को मिलेगा। स्लाइटली डिफरेंसेस हैं क्योंकि आईफोन 13 प्रो की जो सीरीज़ है वहाँ पे आपको फ्रॉस्टेड बैक मैट फिनिश में जो ग्लास है वो देखने को मिलता है। तो थोड़ा सी कलर की जो टोन है या उसकी जो एक फिनिश है वो थोड़ी सी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी, जबकि जो 13 और 13 मिनी है वहाँ पे वो आपको कहने की जो शाइनिंग ग्लास होता है वैसे आपको उसकी बैक देखने को मिलती है। तो थोड़ा बहुत कलर की जो एक फील है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। इसके साथ साथ एप्पल ने एक नया आईफोन भी मुतारिफ करवाया है जो कि पहले भी काफ़ी ज़्यादा र्यूमर में था कि एप्पल जो है अपना SE 3 मॉडल जो है वो लॉन्च करेगा, और मे भी हो सकता है कि वो आपको दो डिफरेंट साइजेस में देखने को मिले, यानी कि एक तो वही साइज जो आईफोन 8 वाला था और दूसरा जो मॉडल हो सकता है आईफोन SE प्लस, वो प्लस साइज में हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइज। एप्पल ने आईफोन SE 3 के नाम से या आईफोन SE 2022 के नाम से एक नया मॉडल मुतारिफ करवाया है जो कि अनफॉर्चुनेटली सारे का सारा जो उसका जो बिल्ट क्वालिटी है या उसका जो उसका डिज़ाइन है, उसकी जो फील है, वो आपको आईफोन SE 2020 के जैसे ही देखने को मिलेगी। वही सेम कलर है, वही मटेरियल है उसका, जो इवन के जो उसकी जो रैम है, उसकी मेमोरी है, उसके अलावा जो कैमरा है और कैमरे के अंदर जितने भी फीचर्स हैं मोस्टली वो पुराने आईफोन वाले ही हैं, लेकिन चंद एक फ़ीचर आपको जो हैं वो आईफोन 13 सीरीज़ के जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो इसका सेल्फी कैम है वो भी आईफोन 2020 वाला ही है, यानी कोई डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ी ही अजीब सी, मुझे समझ नहीं आई कि एप्पल ने क्या सोच के ये नया मॉडल निकाला है, सिवाय इसके कि आपको इसमें A15 बायोनिक चिप जो है देखने को मिलेगी। ये बस एक छोटी सी अट्रैक्शन है आईफोन SE 2022 में, और इसके साथ साथ आपको स्लाइटली बिगर बैटरी या बेटर बैटरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या लोग इसकी तरफ जाएंगे, लोगों को ये अट्रैक्ट करेगा? $429 में ये वाला जो फ़ोन है आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसके पैरेलल अगर आप और ऑप्शन देखें जो कि पुराने मॉडल हैं लेकिन प्रीमियम मॉडल हैं, यानी आप 12 की सीरीज़ में देख लें या 11 की सीरीज़ में देख लें, वो चाहे उनमें चिप पुरानी ही होगी लेकिन उनका जो कैमरा है या उनका जो डिस्प्ले है वो आईफोन SE से बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। यानी आप समझते हैं कि आईफोन SE का जो डिज़ाइन है वो आईफोन 6 के ही जैसा है, चाहे उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, चाहे उसमें ग्लास यूज़ हुआ हुआ है, चाहे उसका कह लें कि उसके अंदर इंटरनल जो हार्डवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि एप्पल ने क्या सोच के या एप्पल के माइंड में क्या है कि उसने मतलब इसमें किसी किस्म का कोई मेजर जो था, यानी 2 साल के बाद आईफोन SE जो रिलीज़ हुआ है, एटलीस्ट इसका जो इसका डिस्प्ले थोड़ा बेहतर होना चाहिए था, इसकी जो वाटर रेजिस्टेंस की टेक्नोलॉजी गाइस सेम टू सेम IPS 67 इसकी वाटर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी है, जो कि कह लें कि 1 घंटा और 30 मिनट तक 1 मीटर जो डेप्थ है उसके अंदर ये काम करता है। सो सेम ये वही टेक्नोलॉजी है जो आईफोन SE 2020 में रिलीज़ हुआ था। सो आई डोंट नो एप्पल के क्या स्ट्रेटजीज होती हैं नया मॉडल मुतारफ करवाते हुए, कि एक बड़ी सिंपल सी बात है कि इसी प्राइस रेंज में आपके पास इतनी ज़्यादा बेटर चॉइसेस हैं आप वो ले सकते हैं, लेकिन एप्पल ने फिर भी ऐसा कुछ नहीं किया और सिंपल वही वाला जो मॉडल है, वही डिज़ाइन है, वही कलर है, वो आपको मुतारफ करवा दिया है।
लेट्स सी अब मार्केट में इसके क्या रिव्यूज़ आते हैं, क्या इसका रिस्पांस मिलता है, ये तो बाद में ही पता चलेगा जब 18 तारीख को यानी ये जो कमिंग 18th मार्च है इसमें एप्पल अपने ये जो नए वाले मॉडल हैं यानी कि आईफोन 13 की जो ग्रीन सीरीज़ है और आईफोन SE की जो सीरीज़ है ये वाली इसको रिलीज़ करेगा। सो गाइज इस इवेंट की जो नेक्स्ट मेजर अट्रैक्शन है वो iPad Air की 5th जनरेशन है यानी iPad Air 5 कह सकते हैं आप उसको या iPad Air 2022 का जो मॉडल है आप उसको इस नाम से भी पुकार सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे दोनों मॉडल्स में कुछ डिफरेंसेस हैं यानी कि iPad Air 2022 और iPad Air 2020 में जो रिलीज़ हुआ था इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं जो मेन जो चीज़ें हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। सो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के फिजिकल डिज़ाइन के ऊपर। तो iPad Air 2020 और iPad Air 2022 में यानी इस वाले मॉडल में दोनों में किसी किस्म का कोई खास फर्क नहीं है यानी इसका अगर हम डायमेंशन की बात करें तो दोनों की जो हाइट विड्थ या इसकी जो थिकनेस है वो सेम टू सेम है। हाँ स्लाइटली जो डिफरेंस है वो दोनों के वेट में है यानी 3 ग्राम का फ़र्क है दोनों में यानी जो पुराने वाला मॉडल था वो 458 ग्राम था और ये वाला जो है ये 461 ग्राम है यानी 3 ग्राम का ये जो फ़र्क हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों की जो बिल्ड है वो वही ग्लास फ्रंट है, एल्यूमिनियम बैक है, एल्यूमिनियम फ्रेम है। इसके अलावा जो लेटेस्ट iPad Air है यहाँ पे हम जो स्टाइलस सपोर्ट है उसको सेकंड जनरेशन वाला जो है उसको ये उसके साथ सपोर्ट करता है। जहाँ तक डिस्प्ले का सवाल है तो दोनों में लिक्विड रेटिना IPS LCD डिस्प्ले है जिसकी जो ब्राइटनेस लेवल है वो 500 nits तक है। इसके अलावा डिस्प्ले साइज़ दोनों का सेम है और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो दोनों की सेम है यानी कि 1640x2360 है जिसमें हमें जो PPI है वो 264 देखने को मिलती है। इसके अलावा जो मेन अट्रैक्शन है हार्डवेयर के अंदर वो ये है कि गाइज यहाँ पे हमें M1 चिप जो है वो एप्पल ने मुतारिफ करवाई है जो कि इससे पहले एप्पल अपने मैकबुक की सीरीज़ में और इसके अलावा जो iPad Pro की जो सीरीज़ है वहाँ पे वो देखने को मिली। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम iPad Air की ये जो सीरीज़ है यहाँ पे एप्पल ने अपनी जो टिपिकल बायोनिक चिप्स होती हैं उसको स्किप करते हुए M1 की तरफ आया। तो ये एप्पल ने क्लेम किया है कि ये वाली जो चिप है ये पुरानी चिप से तकरीबन 50% ज़्यादा हमें क्वालिटी फ्राहम करेगी, 50% ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो ये एक बड़ी मेन चीज़ है और ये जो चिप है ये ऑक्टा कोर है जबकि इससे पहले वाली जो चिप बायोनिक चिप जो हम यूज़ कर रहे हैं 15 है या 14 है वो हेक्सा कोर है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कोर्स भी हमें देखने को मिलेगी जो डेफिनेटली इसकी परफॉर्मेंस में बूस्ट करेगा, परफॉर्मेंस में ये चीज़ ऐड होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो मेमोरी है वो हमें 64 GB और 256 GB ही देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी कुछ र्यूमर्स आ रही हैं कि जो iPad Air 2022 है यहाँ पे 8 GB RAM जो है वो हमें देखने को मिलेगी। अब ये जो रिपोर्ट है ये JSM Arena के मुताबिक है, कन्फर्मेशन आपको रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा कि ये इसमें जो अपग्रेडेशन है वो 8 GB है या 6 GB RAM है या स्टिल ये 4 GB ही रैम होती है। तो ये 18 को जब फाइनली आपके पास यानी आप कह लें कि जब एप्पल इसको रिलीज़ कर देगा इसको फाइनली इसके रिव्यूज़ आ जाएंगे तो वहाँ पे हमें कन्फर्मेशन होगी कि इसकी जो रैम है वो कितनी है। इसके अलावा जहाँ तक कैमरा का सवाल है तो दोनों में हमें 12 MP कैमरा जो कि जिसका अपर्चर जो है वो f1.8 है वही देखने को मिलता है। और मेन जो एक इंक्रीमेंट और हमें देखने को मिलेगा वो है इसके सेल्फी कैमरा में यानी कि अगर पुराने iPad Air की बात करें तो वहाँ पे हमें 7 MP कैमरा था जिसका जो अपर्चर था f2.0 था लेकिन यहाँ पे हमें 12 MP कैमरा है जो कि जिसका अपर्चर f2.4 है जो कि एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि एप्पल ने जो एक उसका सेंटर स्टेज का जो फीचर है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। जब आप वीडियो यानी कॉल कर रहे होते हैं या वीडियो आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप जिस तरफ मूव करते हैं तो आपका कैमरा भी आपको फॉलो करता है। तो ये एक बड़ा मज़े का फीचर है जो कि आपको इस साल के iPad Air के लेटेस्ट मॉडल में देखने को मिलेगा। तो ये एक सेल्फी कैमरा के अंदर एक बड़ी अच्छी अपडेट है जो कि आपको iPad Air 2022 के मॉडल्स में देखने को मिलेगी। जहाँ तक इसकी बैटरी का सवाल है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे M1 चिप की वजह से बेटर बैटरी भी देखने को मिलेगी लेकिन फाइनली इसकी जो परफॉर्मेंस है या बैटरी का जो साइज़ है वो हमें तभी देखने को मिलेगा जब फाइनल इसकी 18th को रिलीज़ हो जाएगी। इसके अलावा इस इवेंट में लास्ट में एप्पल ने मैक स्टूडियो और स्टूडियो डिस्प्ले के नाम से अपने दो गैजेट्स को मुतारिफ करवाया जिसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। गाइज मैक स्टूडियो जो है वो बेसिकली एप्पल की एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा गैजेट है जो कि मैक मिनी और मैक प्रो के बीच में आता है यानी कि इसकी जो हाइट है वो मैक मिनी से थोड़ा ज़्यादा है और इसकी जो परफॉर्मेंस भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो इसमें M1 मैक्स
देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप इसको मॉडिफाई करते हैं यानी कि बेटर ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मैक स्टूडियो के अंदर M1 अल्ट्रा चिप देखने को मिलेगी, जो काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि परफॉर्मेंस बीस्ट है, बहुत ज़्यादा इसका जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ आपको जो डिस्प्ले में एक ऑप्शन देखने को मिलती है वो है स्टूडियो डिस्प्ले, यानी ये एप्पल का 27 इंच जो है डिस्प्ले है, एलसीडी पैनल है, जिसकी रेजोल्यूशन जो है वो हमें 5K तक देखने को मिलेगी। अगर हम इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें वही एलुमिनियम की जो इनक्लोजर है वो देखने को मिलता है, जो जिसमें डिफरेंट कलर्स भी हैं, और ये स्लाइट बेजल्स के साथ है, यानी कि बिल्कुल बेजललेस नहीं है, थोड़े थोड़े बेजल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपको जो बिल्ट इन कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, और इसमें भी आपको सेंटर स्टेज की सपोर्ट है, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, वो आपको देखने को मिलेगी, जो कि इसके साथ साथ इसमें A13 बायोनिक चिप जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली एक कह लें कि एक अच्छा डिस्प्ले ऑप्शन है, 5K डिस्प्ले ऑप्शन जो कि एप्पल ने अपना मुतारिफ करवाया है। सो गाइज, ये थी कुछ लेटेस्ट न्यूज़ जिसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इनमें से आपके लिए कौन सी एक्साइटमेंट का बायस बनेगी, यानी आप क्या एक्साइटेड हैं नए कलर के लिए जो कि आईफोन 13 की सीरीज़ में हमें देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर, और इसके अलावा आईफोन SE जो कि आपके सामने मैंने बताया जो भी उसके फीचर हैं, क्या वो आप उसके लिए परस्यू करेंगे, उसके लिए आप उसको परचेस करेंगे, और क्या आप iPad Air के बारे में क्या बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि iPad Air 5 में आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। सो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टेक रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से फिर ऐसे ही किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पीस।